मुख्यमंत्री ने खरगोन एसपी को हटाया। आपको बता दें खरगोन के बिस्टान थाने पर हमले और नीमच में युवक के साथ तालिबानी हरकत के मामले में सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। बिस्टान थाने पर पथराव की घटना के छठवें दिन सरकार ने खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को हटा दिया है। इससे पहले इस मामले में जेल अधीक्षक और 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर बताया कि बिस्टान थाने में हुई घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। घटना को लेकर अच्छा सुपरविजन नहीं होने के कारण एसपी को हटाने की कार्यवाही की गई है। खरगोन जिले के बिस्टान में हुई घटना में हमने पहले ही पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। घटना की न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। ऐसी हर घटना को हम गंभीरता से लेते हैं। नीमच जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कन्हैयालाल भील की मृत्यु हो गई थी। हमने फैसला किया है कि उनका बेटा दुर्गा शंकर अभी अपनी माँ के साथ राजस्थान गया हुआ है। मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को, उस बेटे का लालन पालन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। दो भाई हैं कन्हैयालाल के, कचू और चीतक, उन दोनों के भी मकान बनवाने का फैसला सरकार ने किया है। उसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और दोनों भाइयों को भी दी जाएगी। हम परिवार की पूरी चिंता करेंगे। आरोपियों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने नीमच की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मृतक कन्हैयालाल के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की रहेगी। कन्हैया के भाई और बहन को सरकार मकान बनवा कर देगी और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के सभी सदस्यों के लिए करेगी। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।